नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में। दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। साइन इन करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। यू नीड टू फिल लाइक योर पैन नंबर एंड अदर पर्सनल डिटेल्स, ताकि हम आपके बारे में अच्छे से जान सकें। आफ्टर देन यू कैन चूज़ योर ट्रेडिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन योर चॉइस। उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करना होगा। आप पेमेंट के लिए पेटीएम और रेजर पे यूज़ कर सकते हैं। रेजर पे में आपको पेमेंट के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से प्लान चूज़ करना होगा। किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हेल्प सेक्शन में जा सकते हैं। अब हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं। बैंक प्रूफ में आप अपना चेक यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना चाहिए। इसके अलावा आप लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट पासबुक यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप उनका क्लियर फ़ोटो या फिर उन्हें स्कैन कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका फ़ोटोग्राफ, आपका नाम, आपका नंबर एंड एड्रेस प्रूफ क्लियर हो। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और वाइट क्लीन पेपर पर सिग्नेचर करके उसे अपलोड करना होगा। आईडी प्रूफ के लिए हम लोग पैन कार्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास में पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी भी है तो भी वो वैलिड है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम लोग बैंक प्रूफ की बात करते हैं। बैंक प्रूफ के लिए आप चेक दे सकते हैं। चेक पर आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एमसीआईआर नंबर क्लियर होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एफएनओ चूज़ किया है तो आपको इनकम प्रूफ देना अनिवार्य है। इनकम प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और आईटीआर की कॉपी लगा सकते हैं। अब आप अपना आधार नंबर यूज़ करके अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन के बाद आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो सही है या नहीं है। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो अगर सही है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल की है तो। आपको नेक्स्ट 48 वर्किंग आवर्स के अंदर ईमेल के थ्रू आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप इन लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज़ करके अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं।